दोस्तों, डंकी के ड्रॉप 2 की न्यूज़ सुनने के बाद जो है वो ऐश्वर्या राय का काफ़ी शानदार रिएक्शन सामने आया है। यहाँ पर ऐश्वर्या राय बोलती हुई देखने को मिली है कि डंकी जो है वो काफ़ी बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से डंकी का जो टीज़र 1 दिया है उस हिसाब से तो लग रहा है कि डंकी काफ़ी बेहतरीन एक्साइटिंग मूवी होने वाली। ऊपर से यहाँ पर इस मूवी के अंदर शाहरुख है, तो आप खुद देख सकते हैं इस साल के अंदर शाहरुख ने कैसी तबाही मचाई है। पहले तो यहाँ पर पठान के अंदर मचाई, उसके बाद जवान, देन अब यहाँ पर डंकी लेकर आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो काफ़ी बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ सकते हैं। हिंदी बेल्ट के अंदर जो है वो डंकी छाने वाली है। लेकिन दोस्तों, उनके सामने जो है वो यहाँ पर सलार मूवी आकर खड़ी हो चुकी है। सलार की भी काफ़ी बड़ी हाइप है, लेकिन यहाँ पर डंकी अगर बात की जाए तो डंकी का जो है वो हमको ड्रॉप 2 कल 22 नवंबर के ऊपर देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर एक अपडेट ये भी आई है कि हो सकता है कि हमको ट्रेलर जो है वो हमको दिसंबर के अंदर देखने को मिले, और उसी के साथ यहाँ पर जो कि काफ़ी अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन भी होती हुई देखने को मिलेगी। ओवरसीज को जो है वो यहाँ पर वायर वाली संभाल रही है, तो कहीं ना कहीं जो है ओवरसीज से भी जो काफ़ी अच्छी कलेक्शन आ सकती है डंकी मूवी की। बाकी दोस्तों, हाइप की अगर बात करें तो हाइप का तो आपको ही पता है कि SRK जो कि कैसा नाम है, यहाँ पर पूरे बॉलीवुड की नैया को यहाँ पर फिर से पार लगाने वाला नाम जो कि बन चुका है SRK का। लेकिन अब देखते हैं यहाँ पर डंकी के अंदर क्या सीन होते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर देखा जाए तो पहले जो है वो SRK ने यहाँ पर पठान के अंदर तबाही मचाई, उसके बाद जवान के अंदर, अब यहाँ पर जो पब्लिक का मेन फोकस है वो यहाँ पर SRK अभी तक जो बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर देखा जाए तो आदि पुरुष के अंदर काफ़ी बड़ी जो है वो डिज़ास्टर साबित हुई है आदि पुरुष, उसके बाद यहाँ पर जो है वो अब आने वाली सलार, तो कहीं ना कहीं इस हिसाब से देखा जाए, प्रभास के हिसाब से देखा जाए तो मतलब कि थोड़ा बहुत जो है वो यहाँ पर हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। लेकिन अगर भाई साहब देखा जाए सलार को, तो कलर काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन करती हुई देखने को मिली है, ऑल इंडिया से लेकर ओवरसीज़ के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट करती हुई देखने को मिल चुकी है। तो कहीं ना कहीं सलार के जो मेकर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपनी मूवी को लेकर, और कहीं ना कहीं फैंस भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड सलार के। पर अब देखना ये है कि यहाँ पर भाई साहब डंकी वर्सेस सलार के अंदर कौन सी मूवी जीतती हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर असली जो बॉस है वो जनता है। जो जनता, आप बताइए आप कौन सी मूवी को सबसे पहले सपोर्ट कर रहे हैं, डंकी या फिर सलार, ये जो कि मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको मौका मिले तो आप सबसे पहले कौन सी मूवी देखेंगे, डंकी या फिर सलार, ये जो कि मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये थी छोटी सी वीडियो यहाँ पर डंकी के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और यहाँ पर डंकी वर्सेस सलार, टाइगर 3 फाइटर और एनिमल जैसी मूवीज़ के बारे में अपडेटेड होना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम यहाँ पर हर एक अपडेट जो है वो आप तक सबसे पहले पहुँचाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हरे कृष्णा, राधे राधे।